मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, सिक्के का एक पहलू होता है कि दो पहलू होता है? सिक्के के दो पहलू होते हैं। ट्रेन एक पटरी पर चलती है कि दो पटरी पर चलती है? उसी प्रकार से आत्मिक जीवन भी दो पटरियों पर चलता है, दो चक्कों पर चलता है। स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस रखने के लिए ये दोनों पहलुओं को जानना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम आत्मिक जीवन के सिर्फ एक ही पहलुओं को सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और उस एक ही पहलू में बढ़ने लगते हैं और होता क्या है, एक्सीडेंट, मतलब ठोकर। और इसीलिए कलीसिया के पासबान की यह जिम्मेदारी होती है, यह दायित्व होता है कि वो कलीसिया को सिक्के का दोनों पहलू बताए। क्यों? ताकि उनका स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस हो सके। आपको मालूम है हमारे उसी प्रकार से बाइबल के अंदर में बताया गया है मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू है अनुग्रह का संदेश, शिक्षा, और दूसरा पहलू है सच्चाई का संदेश, शिक्षा। बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के आए। जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जब वो सिखाते थे, प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह का ही प्रचार नहीं करते थे, परंतु वो अनुग्रह के साथ साथ सच्चाई भी बताते थे। वो दोनों को साथ साथ लेकर के चलते थे ताकि कलीसिया बैलेंस हो सके। आपको मालूम है अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया और अब्राहम की आशीष से हमको आशीषित कर दिया। यह है अनुग्रह का संदेश। अब इसमें सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई यह है कि अगर कोई विश्वासी होकर, मसीही होकर अगर पाप में जीवन गुजार रहा है तो यह सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का वो अपमान कर रहा है और ऐसे में उसका अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में काम नहीं करेगा और पाप के कारण से वो श्रापित हो जाएगा या श्राप के बंधन में पड़ जाएगा और श्राप आशीष खत्म कर देती है। यह सच्चाई है, अगर कोई व्यक्ति पाप में जीवन गुजार रहा है तो आशीष नहीं होगा, श्राप होगा। और यह भी सच्चाई है अगर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपना जीवन खुदावंत को समर्पित कर देता है, उसी वक्त प्रभु क्या करता है, उसके श्राप को अपने ऊपर लेता है, उसको श्राप से आजाद करता है, उसको श्राप से स्वतंत्र करता है और अब्राहम की आशीष से उसको आशीषित कर देता है। अब एक बार आप और मैं आशीषित हो गए, अब्राहम की आशीष हमारे जीवन में आ गई, श्राप से हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, अब हम आशीषित हैं, तो इस आशीष को, इस छुटकारे को मेंटेन करने के लिए, इस ब्लेसिंग को मेंटेन करने के लिए हमको करना क्या है, खुदा के वचन पर बने रहना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, तो क्या होगा, हम सुरक्षित होंगे। और अगर श्राप से छुटकारा पाने के बाद, आशीष पाने के, अब्राहम की आशीष पाने के बाद अगर हमारा मार्ग अगर बदल जाता है और हम पाप के मार्ग पर चलने लगते हैं जहां पर मौत मिलती है, क्योंकि लिखा है ना पाप की मजदूरी मृत्यु है, अगर हम मार्ग चेंज कर लिए और पाप के मार्ग में चले तो क्या मिलेगा मालूम है आपको, श्राप मिलेगा। और श्राप तीन प्रकार के होते हैं, बीमारी, गरीबी, मृत्यु। अगर किसी के जीवन में लंबे समय से बीमारी चल रही है और गरीबी चल रही है, कर्ज चल रहा है, अगर मृत्यु की छाया में वो बैठा हुआ है तो इसका कारण ये है कि उसने खुदा का मार्ग, जीवन का मार्ग, छुटकारे का मार्ग, आशीष का मार्ग छोड़ा और उसने खुद पाप का मार्ग चुना। कई बार ये जानबूझकर होता है कि लोग अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं और कई बार अनजाने में होता है, अज्ञानतावश लोग गलत मार्ग पर चलने लग जाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको मालूम है मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, अगर हम कलीसिया को सिर्फ और सिर्फ ग्रेस प्रीच करें, सिर्फ अनुग्रह का प्रचार करें, अनुग्रह का प्रचार करें और अगर उनको सच्चाई का पता ना हो तो आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ इतना जानेंगे खुदा का अनुग्रह है, मैं आजाद हूं, मैं आशीषित हूं। और जो ये पाप वाला, जो सच्चाई वाला जो सब्जेक्ट होगा ना कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये एक सच्चाई है, ये उन तक मालूम नहीं चलेगी। और आपको मैं बता दूं पाप करने से वो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। क्यों?
क्यों? क्योंकि उनके पास में ये सच्चाई नहीं है, उनको ये सच्चाई बताई नहीं गई है कि भैया बाइबल में ये तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, ये ग्रेस है। परंतु उसी जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अनुग्रह और सच्चाई, ये दोनों साथ साथ चलते हैं मेरे प्रियो। और जो मसीही अनुग्रह और सच्चाई को जान लेता है, समझ लेता है, उसका स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस हो जाता है। मैंने बहुत से जवान लड़के लोगों को विशेषकर देखा है मेरे प्रियो, सिर्फ ग्रेस प्रीच सुन सुनकर सच्चाई को ना जान करके क्या हो गया मालूम है, वो भ्रम में पड़ गए। हम कुछ भी करेंगे आशीष है, वो पाप में पड़ गए, व्यभिचार में पड़ गए, वो गलत संबंधों में पड़ गए, गलत कामों में पड़ गए। क्यों? उनके दिमाग में सिर्फ एक ही शिक्षा है, एक ही प्रकाशन है, खुदा का ग्रेस है। वो ये बात भूल गए कि इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में ये स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि यदि तुम जानबूझकर पाप करोगे तो तुम अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हो, और जो अनुग्रह की आत्मा का अपमान करेगा उसके ऊपर में दंड है। साफ लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, वो वचन बताया नहीं जा रहा, वो वचन का प्रकाशन नहीं है। और आपको बता दूं, जो जवान लोग हैं ना, उनको इसी प्रकार का प्रचार अच्छा लगता है कि वहां पर दंड ना हो, और ऐसा मत बोले, हम फ्री रहना चाहते हैं, फ्री एकदम रहना चाहते हैं, पाप में जीवन, एंजॉय, अय्याशी, अभिलाषा से लिप्त, ऐसा लाइफ चाहिए हमको, तो हमको ऐसा वाला प्रचार बताओ, मजा आ जाएगा। लेकिन होता क्या है मालूम है, ऐसा वाला प्रचार वो सुनते हैं, और जो व्यक्ति समझ गया वो तो फलवंत हो जाता है, लेकिन जो नहीं समझा वो पाप में डूब जाता है, वो गलत मार्ग पर चलता है, और उसके बाद में क्या होता है, समय के अनुसार परिणाम उसकी लाइफ में गलत होते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है, अब होत पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, कलीसिया को बैलेंस करने के लिए अनुग्रह का प्रचार भी करना है और उनको सच्चाई भी बताना है। और सच अनुग्रह क्या है, अनुग्रह यह है कि मसीह यीशु में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, दीर्घ आयु है, चंगाई है, छुटकारा है, सफलता है, संपन्नता है, उन्नति है, गवर्नमेंट जॉब है, संतान की आशीष है, शांति है, आनंद है। क्या है ये? यही है अनुग्रह प्रभु का। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, तब परमेश्वर हमको पाप से छुटकारा देता, श्राप से छुटकारा देता, और अब्राहम की सारी आशीष हमारे जीवन में आती है। यही तो ग्रेस है। रोमियो 6:23 में, लेकिन उसी 23 वचन में दो बातें मिल करके है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु एक झटके से नहीं आता। हम पाप में हैं, बीमारी आएगी, पहले गरीबी आ जाएगा, कर्ज आ जाएगा, ऐसी बीमारी जो मृत्यु देती है, और फिर अंतिम श्राप का अंतिम परिणाम होता है मृत्यु। कई चर्चेस में ऐसा होता है, सिर्फ सच्चाई का प्रचार, सच्चाई का प्रचार, सिर्फ पाप पाप और पाप, वो भी गलत है। कई चर्चेस में ऐसा है, सिर्फ ग्रेस ग्रेस ग्रेस, वो भी गलत है। हम कलीसिया को सिर्फ एक ही पहिए पर आत्मिक जीवन चलाने बोल रहे हैं। आदमी एक पांव से चल सकता है क्या, बोलो तो? दोनों पांव चाहिए। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, स्पिरिचुअली हमको दो पांव दिए गए, एक अनुग्रह और सच्चाई। कितने लोगों अनुग्रह का जो प्रचार है वो एकदम 100% ट्रू है, लेकिन जवान उसको ना पाप की आड़ बना लेते हैं। ओ ग्रेस का प्रचार हमको फ्री करता है, कुछ भी करो अनुग्रह है, वह विचार करो, पोर्नोग्राफी कुछ भी करो ग्रेस है। और बहुत सारे लोग अनुग्रह का प्रचार सुनकर, ग्रेस प्रीच सुनकर के पाप में गिर गए। उनको अनुग्रह के साथ उनको सच्चाई भी बताना पड़ेगा। अब देखो, आप बैठे हुए हैं, आप में से एक व्यक्ति है जो भयंकर व्यभिचार में है, वैश्यावृत्ति में है, प्रोस्टिट्यूट में है, वैश्यावृत्ति में, और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। प्रैक्टिकली सोचो, खुद ही दिमाग लगाना, कोई वैश्यावृत्ति में है और यहां पर बैठी हुई है, हाँ, लेकिन प्रभु पर वो विश्वास करती है, और मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु यीशु पर आपने विश्वास किया है, आपके ऊपर में खुदा का अनुग्रह है, अब्राहम की आशीष है, कोई श्राप नहीं है, आप आशीषित हो। तो एक वैश्या जो बैठी रहेगी, ओ थैंक यू जीसस, मैं वैश्या का काम करती हूं तो भी मैं आशीषित हूं, ओ थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वैश्या बैठे बैठे क्या सोचेगी, अच्छा मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, क्यों? खुदा का ग्रेस है, मैं तो आशीषित हो चुकी हूँ, कुछ भी कर लूं। बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
एक वैश्या को, एक पापनी स्त्री को, एक पापी व्यक्ति को, एक नशेड़ी को, गंजेड़ी को यह बताना पड़ेगा, अपना जीवन समर्पित करो, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हाँ, ये बात बोलना बिल्कुल गलत है, ये बात बोलना बिल्कुल गलत है, भैया तुम अपना पाप छोड़ो, तुम नशा छोड़ो, तुम गांजा छोड़ो, तुम ये छोड़ो तो प्रभु तुमको आशीष देगा। ये गलत प्रचार है। इंसान अपने आप से नहीं छोड़ सकता, यह सच्चाई है। अगर इंसान अपने आप से छोड़ देता ना, तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर अपने जान देने की जरूरत ना पड़ती। हम अपने आप से नहीं छोड़ सकते, हमको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, आवश्यकता है। हाँ, लेकिन यह होता कैसे है? हम आते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। जीवन देने का मतलब क्या होता है? प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं अपना जीवन आपको दे रहा हूं, मुझे आशीषित करो। और हमारे मन में है, हम नशा नहीं छोड़ेंगे, हम व्यभिचार नहीं छोड़ेंगे, हम गलत काम नहीं छोड़ेंगे, हम कुकर्म नहीं छोड़ेंगे, तो वो मन फिराव नहीं है, वो पश्चाताप नहीं है, अपना जीवन सही रीति समर्पित करना नहीं है। छुटकारे के लिए सही रीति से मन फिराना और पश्चाताप करना जरूरी है। कैसे होता है वो? वो ऐसे होता है, अगर कोई व्यक्ति आता है प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो कहता है, हे प्रभु मैं नशे में हूँ, हे प्रभु मैं व्यभिचार में हूँ, हे प्रभु मैं नाना प्रकार के कुकर्म में, बुरे कामों में हूँ, लेकिन खुदावंत मैं अपने आप से इसे नहीं छोड़ सकता, प्लीज प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ, प्लीज प्रभु मेरे को नशे से आज़ाद कर दो, व्यभिचार से आज़ाद कर दो, पाप से आज़ाद कर दो, श्राप से आज़ाद कर दो, मैं आगे का जीवन पवित्रताई में जीना चाहता हूँ खुदावन। तब प्रभु यीशु उसका प्रार्थना सुनता है, उसके जीवन को छूता है, उसके दिल के अंदर में आ जाता है, पाप का बंधन टूट जाता है, नशे का बंधन टूट जाता है, मृत्यु का बंधन टूट जाता है, बीमारी का बंधन टूट जाता है, और क्या होता है? वो आजाद हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, और फिर अब्राहम की आशीषें उसके जीवन में आ जाती है। परमेश्वर का अनुग्रह आदम और हव्वा के ऊपर था, और वो क्या अनुग्रह था? कि उनको परिश्रम नहीं करना था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए अदन की वाटिका बनाया, जहां पर सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं जो उनके भोजन के लिए हैं, और उसी गार्डन में हर शाम परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया करते थे। देखो, आदम और हव्वा के ऊपर में क्या ग्रेस था ना, क्या फेवर था। उनको परिश्रम नहीं करना था दो वक्त की रोटी के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, उनको परिश्रम नहीं करना था। परमेश्वर ने उनके लिए सब व्यवस्था प्रबंध कर दिया था, अर्थात परमेश्वर ने आयता आयता सब कुछ उनको दे दिया था। तो उनको करना क्या था? अदन की वाटिका में राज्य करना था, खाना था, पीना था, और हर शाम प्रभु के साथ में संगति करना था। हर शाम प्रभु के साथ क्या करना था? करते हो? परमेश्वर का ग्रेस था आदम और हव्वा के ऊपर, और उस समय पृथ्वी पर पाप नहीं था, ग्रेस था। ग्रेस क्या? ग्रेस था परमेश्वर मिलता था। क्या ग्रेस था? रहने का स्थान था उनके पास। क्या ग्रेस था? कपड़ा था, रोटी, मकान, सब कुछ था, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इसको बोलते हैं ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है मुफ्त में मिलता है, ग्रेस का मतलब होता है गिफ्ट, और गिफ्ट कमाया नहीं जाता, गिफ्ट मुफ्त में मिलता है, यह ग्रेस है। उद्धार मुफ्त में मिलता है, चंगाई मुफ्त में मिलती है, आशीष मुफ्त में मिलता है। क्यों? ये ग्रेस है। इसके लिए कीमत प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चुकाई है, और वो गिफ्ट है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा पर अनुग्रह कर दिया था, उसको ग्रेस मिल गया था, अदन की वाटिका मिल गई थी, भोजन के लिए पेड़ फल से लदे हुए मिल चुके थे, तो परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात बोला था आदम को। क्या? क्या? अदन के वाटिका की रक्षा करना। और आपको मालूम है, आदम इसमें फेल हो गया, घुसपैठिया, शैतान सांप में समा करके अदन की वाटिका में घुस गया, हव्वा को बहकाया, हव्वा ने आदम को बहकाया, और उन्होंने शैतान की बात मानी, आज्ञा उल्लंघन किया परमेश्वर का, और तब से पाप और पाप की मजदूरी मृत्यु पृथ्वी पर आ गई।
परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था ना, वो लोग अमर थे, मृत्यु नहीं थी, श्राप नहीं था, पाप नहीं था, बीमारी नहीं थी, नशा नहीं था, कोई गलत प्रकार का काम नहीं था, पवित्र पृथ्वी थी और पवित्र आदम और हव्वा थे। कहां से ये सब आ गया? आदम और हव्वा बहकाए गए शैतान के द्वारा, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किए और शैतान की बात सुने, और हो क्या गया? अदन की वाटिका से लेकर के पूरी पृथ्वी तक शैतान के अधीन हो गई, शैतान ने छीन लिया। जानते हो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको उद्धार मुफ्त में दिया, चंगाई मुफ्त में दिया, आशीष मुफ्त में दिया, संपन्नता मैंने तुमको मुफ्त में दी जब तुमने मुझ पर विश्वास किया, छुटकारा मैंने तुमको मुफ्त में दिया। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारा शत्रु शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसकी आशीष छीन ले, किसका स्वास्थ्य छीन ले, किसका अदन का वाटिका छीन ले, किसका शांति छीन ले, किसका आनंद छीन ले, वो इस खोज में रहता है। इसलिए अपने आशीष की रक्षा करना, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपने पवित्र जीवन की रक्षा करना, अपने आज्ञाकारिता की रक्षा करना, मेंटेन करना, मैंने दे दिया अब उसको मेंटेन करना। और आपको मालूम है, बहुत सारे लोग आदम और हव्वा के समान इसी चीज में चूक जाते हैं। स्वास्थ्य दिया, मेंटेन नहीं कर पाए, आशीष दी, मेंटेन नहीं कर पाए, खूब पैसा दिया, मेंटेन नहीं कर पाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेंटेन नहीं कर पाया आदम और हव्वा। और आज भी बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, हमारे कर्मों से हम पवित्र नहीं हो सकते, हमारे कर्मों से उद्धार नहीं पा सकते, हमारे कर्मों से आशीष नहीं पा सकते, सफलता नहीं पा सकते, संपन्नता नहीं पा सकते, ये हमारे कर्मों से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो हमको बनाता, तैयार करता उस प्रकार से जिस प्रकार से एक कुम्हार मट्टी को अपने हाथ में लेकर के घड़ा बना देता है। वो कुम्हार है, हम मट्टी हैं, हम अपने आप से नहीं बन सकते। परमेश्वर अपने हाथों से लेता है और हमको पवित्र बनाता है, हमको आशीष, हमारे लिए आशीष बनाता है, सब कुछ वो बना करके देता है। और उसके बाद का काम हमारा है क्या? मेंटेन करके रखो, मेंटेन करो, क्योंकि घुसपैठिया हमारा शत्रु सिंह के समान इस खोज में है, खोज कर रहा है किसको फाड़ू, किसकी आशीष बर्बाद करूं, किसका स्वास्थ्य बर्बाद करूं, किसका घर बर्बाद करूं, किसका मैरिज बर्बाद करूं। और आपको मालूम है उसका मेन काम वो कब करता है मालूम है? रात को जब हम सोते हैं तब वो बीज बोता है, तब वो बीज बोता है। और फिर दूसरे दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन अगर रात को चलो उसने बीज बो दिया और सुबह उठकर बिना किसी से बातचीत किए आप प्रेयर रूम में चले गए और आपने प्रात खुदा की उपस्थिति में बैठ गया, शैतान का बीज आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा, उसका योजना नष्ट हो जाएगा, उसका फंदा नष्ट हो जाएगा, उसका बंधन नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर शैतान ने, आप रात को सोए और शैतान ने अगर आकर के बीज बोया, सुबह उठे और आपने प्रार्थना नहीं किया और वैसे ही आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, आप पत्नी पति से बात कर रही है, हो सकता तो क्या होगा मालूम है? शैतान का बीज काम करेगा, दोनों के बीच झगड़े हो जाएंगे या कुछ ना कुछ होगा। क्यों? शैतान ने रात में अपना काम कर दिया है, जंगली बीज बो दिया उसने। इसलिए याद रखो, जब सुबह उठते हो किसी से मत मिलो, किसी से मत मिलो। अगर दिन शुभ चाहते हो, दिन आशीषित चाहते हो, किसी से नहीं मिलो, उठो और उठ करके सीधा भाग जाओ प्रार्थना के लिए, किसी से बात मत करो, भाग जाओ सीधा प्रार्थना के लिए। और उसके बाद जब प्रार्थना करके जब आप आओगे, वो पूरा दिन आपके लिए सफलता से भरा होगा, आशीष से भरा होगा, शांति से भरा होगा, आनंद से भरा होगा। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान किया, हुआ क्या? पाप किया। और पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु। मृत्यु आई उनके शरीर में, वहीं से बीमारी का उद्गम हुआ, वहीं से गरीबी का उद्गम हुआ, वहीं से परिश्रम, पसीना बहाना, दो वक्त की रोटी के लिए हाय हाय करना, वहीं से स्टार्ट हुआ। जहां पाप है वहां ये सब तकलीफें हैं। इसलिए याद रखो चर्च, हमको अनुग्रह के साथ साथ सच्चाई जानना जरूरी है। पासबानों को चर्च में अनुग्रह और सच्चाई दोनों का प्रचार करना जरूरी है, तभी मसीही लोग, विश्वासी लोगों का लाइफ बैलेंस रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखो, प्रतिदिन के ठंडे में, दिन के ठंडे में प्रभु से मिलने जाओ, वो आपका वेट कर रहा है। एक प्रेयर रूम बनाओ,
आपका छत भी प्रेयर रूम हो सकता है, आपका बेडरूम भी प्रेयर रूम हो सकता है, परमेश्वर वहां आपसे मिलने आएगा और आप भी समय पर जाओ, वो भी आएगा आपसे मिलने के लिए। और याद रखो मेरे प्रियो, खुदा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और शैतान की उपस्थिति में दुख, कष्ट और पीड़ा की भरपूरी है। क्या है आपके जीवन में, क्या है आपके जीवन में? अगर दुख पीड़ा है तो शैतान की भरपूरी है, अगर आनंद है तो आपको बधाई देता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति है आपके जीवन में। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें।